नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आपका मोबाइल स्क्रीन फ्लिकरिंग हो रहा है एंड आप जो है सभी कुछ सेटिंग करके देख लिया बट यहां पे जो है फ्लिकरिंग ऑफ नहीं हो रहा है, अगर आपका स्क्रीन फ्लिकरिंग होता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और मेरे को पता है, खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर तो मेरे पास वीवो मोबाइल है एंड वीवो मोबाइल पर मैं दिखाऊंगा एक स्क्रीन फ्लिकरिंग जो ऑप्शन है कैसे आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी रिपेयरमेंट का जरूरत नहीं, या तो फिर आपका स्क्रीन भी खराब नहीं हुआ या कोई भी रिपेयर करने का भी जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको लाइव दिखाऊंगा। अगर आपके पास वीवो छोड़ के भी दूसरा कोई मोबाइल है, आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड अगर आप मेरे चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो आपका मोबाइल पे इस टाइप का भी ऑप्शन हो सकता है स्क्रीन फ्लिकरिंग में, एंड यहाँ पे बिल्कुल आपको रेड कलर का आ रहा है। आप नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपका मोबाइल पे हो सकता है, मैं वीवो मोबाइल की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं तीसरा जो बता रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइप का भी ऑप्शन हो सकता है प्रॉब्लम, मतलब आपको लगेगी ये भी प्रॉब्लम है, अब मेरा जो है स्क्रीन खराब हो गया। तीनों का मैं सेटिंग बताऊँ, आपका मोबाइल पे है सेटिंग, आपको बस खाली चेंज करना है। एंड यहाँ पे तीनों सेटिंग चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद भी एक मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले क्या करना, आपको मोबाइल पे सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मोर सेटिंग, देन आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप अबाउट फोन, एंड अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वर्सन है इसको 7 बार प्रेस करना है, यानी कि आपका जो डेवलपर मोड है इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ऑन है तो मैं बैक कर लूँगा। अब देखिए, बैक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे आपको डेवलपर मोड फाइंड कर लेना है। जैसे मेरा मोबाइल पे मोर सेटिंग पे है एंड सबसे नीचे आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको ऊपर यहाँ पे ऑन कर देना है एंड डेवलपर ऑप्शन जो इसको ऑन कर देना है। देखिए गाइस, यहाँ पे तीनों प्रॉब्लम के लिए आपको डेवलपर मोड में जाना है। एंड देन सबसे जो लाल वाला मैं पहले दिखाया था, यहाँ पे जो है ऑप्शन एक मिलेगा आपको नीचे आने के बाद, सो GPU व्यू अपडेट, ये वाला ऑप्शन है आपका मोबाइल में मिल जाएगा। ये जो सेटिंग ऑन होकर रहेगा फिर जाके आपको इस टाइप का प्रॉब्लम शो होगा, तो आपको क्या करना है सिंपली ऑफ कर देना है इसको। एंड सेकेंड जो मैं बताया, सेकेंड आपको थोड़ा सा और ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको देखिए सो सरफेस अपडेट आ रहा है, ये भी आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो ये अगर ये ऑन होने से क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम फेस होता है, तो ये भी आपको ऑफ कर लेना है। एंड जो सबसे लास्ट वाला बताया तीसरा नंबर, तो यहाँ पे देखिए सो लेआउट बाउंस, तो इसके ऊपर ये अगर ऑन रहेगा तो इस टाइप का आपको बस प्रॉब्लम, तीनों ऑन रहने से इस प्रॉब्लम होता है। तो सिंपली आपको क्या करना, उसके बाद आपको डेवलपर मोड को ऑफ करके बैक कर लेना है। यहाँ पे जो फ्लिकरिंग का ऑप्शन आ रहा था मोबाइल पे, यहाँ पे जो है चला गया। तो गाइस, यहाँ पे तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल पे नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत है जो गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा एंड आपको जाके यहाँ पे सर्च कर लेना है OLED सेवर। तो सिंपली इस एप्लीकेशन में क्लिक करना है, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, 783 KB का है, तो ये इसको इंस्टॉल कर लेना है। बेसिकली इस एप्लीकेशन क्या करता है, आपका जो स्क्रीन का डिस्प्ले को एडजस्ट करते रहता है हर सेकेंड में, एंड यहाँ पे क्या होता है ऑटो ब्राइटनेस सेट करता है, फ्लिकरिंग को सेट करता है, मतलब 99.99% जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली ओपन कर लेना इंस्टॉल करने के बाद। अब ओपन करने के बाद आपके पास इस टाइप का ऑप्शन खुलेगा एंड यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा वॉच, तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, सभी आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। अब देखिए नेक्स्ट सभी करने के बाद यहाँ पे एनेबल सर्विस अगेन आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद बैक कर लेना है, देन और एक बार एनेबल सर्विस करना है एंड यहाँ पे जो है OLED सेवर इसको आपको ऑन कर देना है एंड ऑन करने के बाद ओके कर देना है, देन से पहले बैक कर लेना एंड बैक करने के बाद अगेन आपको एक बार क्लिक करना है एंड देन आप देखो यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना, सिंपली बैक कर लेना आपका मोबाइल पे। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो ब्राइटनेस हाई है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लिकरिंग की वजह से आपका जो मोबाइल पे ये ऑटो ब्राइटनेस सेट करके रखा है। देखिए आपको स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा माइनस माइनस एंड प्लस का, एंड ऑटोमेटिक भी है, आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको प्लस एंड माइनस जो मैनुअली करने का जरूरत नहीं, ऑटो पे आप सेट कर दीजिएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लिकरिंग जैसे होगा उसकी वजह से इस एप्लीकेशन जो बिल्कुल सेट कर देगा ऑटोमेटिक, एंड आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस करके ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से, एंड उसके बाद देखोगे आपका मोबाइल पे जो फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम था बिल्कुल सॉल्व हो गया, चाहे आपका वीवो मोबाइल क्यों ना हो, चाहे अदर्स कोई कंपनी का क्यों ना हो। तो इसी तरीके से आप जो जो स्क्रीन का फ्लिकरिंग है ऑफ कर सकते हो
एंड ट्रस्ट में दोस्तों, यहाँ पे आपको जो दोनों ऑप्शन बताया, दोनों ऑप्शन में से दोनों काम का चीज है। आपका मोबाइल पे जो भी सेट होता है वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, एंड अगर वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।